हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं एमपी पीएनएसटी में जो भी जूलॉजी के क्वेश्चंस आते हैं, जिन जिन टॉपिक्स से क्वेश्चन आते हैं उन टॉपिक्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे। किन किन टॉपिक्स से कैसे कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं जूलॉजी सब्जेक्ट में, उसके बारे में हम जानेंगे। तो बने रहिए हमारे साथ। तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं एनिमल किंगडम। एनिमल किंगडम से क्या क्या आ सकता है? स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ एनिमल टिश्यू, टिश्यू के स्ट्रक्चर और फंक्शन आ सकते हैं। ऊतक, ऊतक और कनेक्टिव मस्कुलर हो गया, स्केलेटल मसल हो गया, नर्व मसल हो गई, कंकाल तंत्र, नर्वस सिस्टम, तंत्रिका तंत्र, मतलब टोटल जितने भी ऊतक के क्वेश्चंस हैं, ऊतक वाले टॉपिक्स हैं वो, और जितने भी तंत्र हैं वो, ये सब आप पढ़ लेना। और हिस्टोलॉजी ऑफ मैमेलियन ऑर्गन्स, स्टमक हो गया, इंटेस्टाइन हो गया, लीवर, किडनी, लंग, टेस्टिस एंड ओवरी, ओवरऑल जितने भी ऑर्गन है उन सब के बारे में आप पढ़ लेना, वो सब आ सकता है। स्ट्रक्चर एंड फिजियोलॉजी ऑफ डिफरेंट ऑर्गन, ऑर्गन के डिफरेंट फिजियोलॉजी और स्ट्रक्चर्स पढ़ लेना। सिस्टम ऑफ ह्यूमन बॉडी, स्किन, डाइजेस्टिव सिस्टम, रिस्पायरेटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, नर्वस सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, जितने भी सिस्टम्स हैं टोटल, जैसे रिस्पायरेटरी सिस्टम, श्वसन तंत्र हो गया, और तंत्रिका तंत्र हो गया, पाचन तंत्र हो गया, प्रजनन तंत्र हो गया, जितने भी तंत्र हैं उनके बारे में आप पढ़ लें। और इंडोक्राइन सिस्टम पढ़ लेना, इंडोक्राइन ग्लैंड पढ़ लेना, विटामिन्स के बारे में, मिनरल्स के बारे में, जितनी भी ग्रंथियां हैं, इंडोक्राइन मतलब जितनी भी ग्रंथियां हैं वो सब आप पढ़ लेना। और रिप्रोडक्टिव साइकिल, साइकिल में बात करें, रिप्रोडक्टिव साइकिल पढ़ लेना आप, गैमेटोजेनेसिस पढ़ लेना, स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म एंड ओवम, टाइप्स ऑफ एग्स पढ़ लेना, फर्टिलाइजेशन, क्लीवेज, ब्लास्टुला, फीटल मेम्ब्रेन, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन इन मैमल्स, जितने भी मैमल्स के स्ट्रक्चर और फंक्शंस हैं वो पढ़ लेना, है ना। ये सब आपको ट्वेल्थ में मिल जाएगा। फिर बात करते हैं क्रोमोसोम्स। क्रोमोसोम्स बॉटनी में भी आप, जेनेटिक्स था वहाँ पे, आपने जेनेटिक्स पढ़ा होगा, यहाँ भी जेनेटिक्स दिया हुआ है तो उसको भी आपको पढ़ना है। क्रोमोसोम्स, टाइप्स ऑफ क्रोमोसोम्स पढ़ लेना, क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटीज एंड सिंड्रोम, जितने भी क्रोमोसोमल के एबनॉर्मेलिटी है और सिंड्रोम है, जितनी भी क्रोमोसोम से रिलेटेड जितनी भी डिसीज हैं वो सब पढ़ लेना। ब्लड ग्रुप पढ़ लेना आप, ब्लड बैंक क्या होता है वो पढ़ लेना, ठीक है। फिर बात करते हैं टिशू कल्चर की। टिशू कल्चर पढ़ लेना, जेनेटिक इंजीनियरिंग, म्यूटेशन, जीन म्यूटेशन, ये सब जेनेटिक्स में आ जाएगा, वहाँ आप पढ़ लेना। और ह्यूमन पॉपुलेशन पढ़ लेना, नेशनैलिटी, मोर्टैलिटी, एक्सप्लोजन, ये सारा टोटल आपको इकोसिस्टम में मिल जाएगा, तो वहाँ से आप पढ़ लेना। फिर क्लासिफिकेशन हो गया, बायोनोमियल, ड्यूनॉम पद्धति, ये सब जीव जगत के अंदर आ जाएगा, तो वहाँ से आप पढ़ लेना। ट्राइनोमियल नोमेनक्लेचर हो गया, ओरिजिन ऑफ लाइफ, थ्योरीज ऑफ ऑर्गेनिक, मतलब ये सारा कुछ आपको इवोल्यूशन में मिल जाएगा, ह्यूमन इवोल्यूशन चैप्टर में, ठीक है। विकास में जितने भी थ्योरी वगैरह हैं, जैसे लैमार्क की थ्योरी हो गई, ड्रॉविन की थ्योरी हो गई, साइंटिस्ट वगैरह की, वो सब आप पढ़ लेना। फिर बात करते हैं इकोनॉमिक जूलॉजी की, उसमें आपको सेरिकल्चर हो गया, एपी कल्चर हो गया, पोल्ट्री हो गई, फिशरी हो गई, लैक कल्चर हो गया, ये सब आपको पढ़ना है। एग्रीकल्चर के बारे में थोड़ा बहुत आप पढ़ लेना। फिर प्रोटोजोआ डिसीज हो गया, जैसे जितने भी डिसीज है, जैसे प्रोटोजोआ डिसीज हो गया, बैक्टीरियल डिसीज हो गई, वायरल डिसीज हो गई, इन सब के बारे में थोड़ा थोड़ा पढ़ लेना। और इम्यूनोलॉजी के बारे में बात करें तो जैसे कैंसर हो गया, टाइप्स ऑफ कैंसर हो गया, कैंसर सेल कम्युनिकेबल डिसीज हो गया, हेपेटाइटिस हो गया, एड्स हो गया, सिंड्रोम, वैक्सीन, ये सारे कुछ आप पढ़ लेना। फिर बात करते हैं स्मोकिंग, जैसे एल्कोहल स्मोकिंग, एल्कोहलिज्म एंड जितना भी ड्रग का सिम्टम है और क्या क्या कंट्रोल हो सकता है स्मोकिंग का, एल्कोहल का, वो सब पढ़ लेना। फिर वाइल्ड कंजर्वेशन, उसके बारे में पढ़ लेना, जैसे पेस्टिसाइड्स हो गया, यूजर्स हो गया, मतलब पेस्टिसाइड्स का यूजर्स, एडवांटेज एंड हैजार्ड्स, ये सब कुछ आप पढ़ लेना। तो ये इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जूलॉजी के जो एमपी पीएनएसटी के एग्जाम में आते हैं, तो इन सब टॉपिक अगर आप कवर कर लेते हो तो 30 मार्क्स का रहता है टोटल क्वेश्चन, तो आप मतलब 25 नंबर से ऊपर नंबर ला सकते हो अगर ये सारे टॉपिक आप कवर कर लेते हो। और बाकी सब्जेक्ट का सिलेबस अगर आपको देखना है तो मेरे चैनल में जा करके आप वहाँ से देख सकते हो बाकी सब्जेक्ट के सिलेबस। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।